जमानत मिलन तो बाद किमें केजरीवाल का होया स्वागत तुसी देख सकते हो समर्थकों के खुशी की लहर तुसी देख सकते हो कार किमें दौड़ी दौड़ी आई तो समर्थकों ने दरवाजा खोलिया सब तो पहला राघव चड्ढा जी के गले लगे तुसी देख सकते हो तस्वीर सुन लिया केजरीवाल साहब ने की कहा भारत माता की दिल्ली वालों का बहुत बहुत शुक्रिया हेलो देश के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने रिहाई के लिए मेरे बाहर आने के लिए मन्नत आशीर्वाद भेजा प्रार्थना की मंदिर गए मस्जिद गए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। हेलो, देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं, हमें इसका मुकाबला करना है। दोस्तों, मेरा कसूर यह नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था, मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, इसलिए। लेकिन मैं हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ाऊं और आगे भी इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल डर जाएगा, केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे, केजरीवाल का साहस टूट जाएगा। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इनकी जेल की दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। मेरी बाकी की जिंदगी देश को समर्पित है। मेरी जिंदगी का एक एक पल, मेरे खून का एक एक कतरा और मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है। दोस्तों, मेरे को हमेशा ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत छोटा आदमी था, ऊपर वाले ने साथ दिया, लोगों का इतना मान सम्मान मिला। क्यों साथ दिया ऊपर वाले ने? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, मैं लोगों की सेवा करता था, मैं मुल्क के लिए लड़ता था, मैं राष्ट्र के लिए लड़ता था, इसीलिए ऊपर वाला मेरे साथ है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भविष्य में भी मुझे इसी तरह से रास्ता दिखाता रहे, लोगों के लिए आने वाले समय में भी लड़ूंगा। आप शुक्रिया, मैं आज यहां पे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।